कॉर्नर शिक्षक चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन स्प्रिंग एडमिशन 2022। तो गूगल पे आपने लिखना है UE.edu.pk। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। साइट ओपन हो जाएगी, आपने जाना है एडमिशन पे और आपको हम बताएंगे एडमिशन स्प्रिंग 2022 की डिटेल, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है और डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से ये ऑफर कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल स्कॉलरशिप कॉर्नर्स को सब्सक्राइब करते और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। जैसे ही आपके सामने एडमिशन स्प्रिंग 2022 का सेक्शन ओपन होगा, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट है इस पर आप क्लिक कर दें, एडमिशन कैलेंडर है इस पर आप क्लिक कर दें और प्रॉस्पेक्टस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं और फी रिफंड फॉर्म भी इधर अवेलेबल है। ये आपके सामने एडमिशन का जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन हो चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर एडमिशन स्प्रिंग 2022। तो MA, MSc, MS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 फरवरी है अप्लाई करने की। इसके डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस के एडमिशन भी ओपन है। उसके अलावा अटक कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, जोहराबाद कैंपस, मुल्तान कैंपस और बहाड़ी कैंपस में एडमिशन ओपन है। तो प्रोग्राम से कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, लाहौर कैंपस MSc केमिस्ट्री मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ऑफर कर रहे हैं, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc जूलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, PhD बॉटनी, PhD केमिस्ट्री, PhD मैथमेटिक्स, PhD फिजिक्स, PhD जूलॉजी ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो अटक कैंपस है वो MA इंग्लिश और MA एजुकेशन ऑफर कर रहा है। फैसलाबाद कैंपस में MA एजुकेशन, MA इंग्लिश, MSc जूलॉजी, MPhil एजुकेशन एंड PhD केमिस्ट्री अवेलेबल है। इसके अलावा जोहराबाद कैंपस में MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, MSc जूलॉजी एंड MA एजुकेशन अवेलेबल है। मुल्तान कैंपस MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MA इंग्लिश, MA एजुकेशन, MSc मैथमेटिक्स, MS मैथमेटिक्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा बहाड़ी कैंपस सिर्फ PhD केमिस्ट्री मॉर्निंग क्लासेस में ऑफर कर रहा है। आपने अप्लाई किस तरह से करना है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ इसका जो कंप्लीट जो है वो कैलेंडर दिया गया है। प्रॉस्पेक्टस एट एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 7 फरवरी 2022। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन ऑफ MA, MSc, MS, MPhil एंड PhD February 18, 2022। UE entry test for MS and MPhil applicants के लिए होगा वो 21 फरवरी को होगा और UE entry test PhD के लिए जो होगा वो 22 फरवरी को होगा। entry test की MS, MPhil और PhD के लिए जो रिजल्ट है वो 23 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद MS, MPhil और PhD के लिए इंटरव्यू होगा, वो जिस कैंपस में आप लोग अप्लाई करेंगे उसी कैंपस में कंडक्ट किया जाएगा, वो 25 फरवरी को होगा। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट MS, MPhil और PhD प्रोग्राम की 1 मार्च को डिस्प्ले की जाएगी। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट फी फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो MSc और PhD प्रोग्राम के लिए March 3 होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट मार्च 8 को डिस्प्ले की जाएगी और उसकी फीस सबमिट करवाने की आखिरी डेट 10 मार्च होगी। थर्ड मेरिट लिस्ट 14 मार्च को डिस्प्ले की जाएगी और लास्ट डेट 15 मार्च होगी फीस सबमिट करवाने के लिए। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट MA, MSc प्रोग्राम्स के लिए मॉर्निंग क्लासेस की 22 फरवरी को होगी, लास्ट डेट फीस सबमिट करवाने की 24 फरवरी होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट मॉर्निंग क्लासेस की 28 फरवरी को होगी और लास्ट डेट फीस सबमिट करवाने की 2 मार्च होगी। थर्ड मेरिट लिस्ट 4 फरवरी को डिस्प्ले की जाएगी और लास्ट डेट इसकी फीस सबमिट करने की मार्च 7 होगी।
इसके बाद इवनिंग क्लासेस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 मार्च को आएगी और उसकी फी सबमिट होने की आखिरी तारीख 11 मार्च होगी। सेंट्रल मेरिट लिस्ट 15 मार्च को आएगी और फी सबमिट होने की आखिरी डेट 16 मार्च होगी। थर्ड मेरिट लिस्ट इसी तरह 17 मार्च को आएगी और लास्ट डेट फी सबमिट होने की इवनिंग प्रोग्राम्स की 18 मार्च होगी। इसके अलावा हमने ओपन किया था एडमिशन कैलेंडर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का स्प्रिंग कैलेंडर तमाम डिवीजन और कैंपसेस का अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताऊंगा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करने का। तो चलिए गाइस हम इसमें अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अप्लाई से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लेनी लाजमी है। एप्लीकेंट्स हैविंग थर्ड डिवीजन और लेस देन 45% एग्रीगेट मार्क्स अंडर एनुअल सिस्टम और लेस देन 2 CGPA अंडर स्ट्रेसेस सिस्टम are less than 60% marks under stress system in the terminal degree or not eligible for the admission in any program. वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो हैं वो 45% एनुअल में और 2 CGPA stress system में है वो या थर्ड डिवीजन है वो इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं है। स्टेप 1 के लिए क्या है, रीड द फॉलोइंग सेक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने पहले डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस करके इस लिंक से आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है और अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है इस यूआरएल से, उसके बाद ही आपने किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आप डिफरेंट प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो CNIC या पे फॉर्म ऑफ कैंडिडेट है। उसके बाद CNIC फादर या गार्डियन का चाहिए। सर्टिफिकेट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड ऑफ बैचलर प्रोग्राम चाहिए अगर आप MA MSc प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम अगर आप MS और MPhil में अप्लाई करना जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट बैचलर मास्टर एंड MS MPhil प्रोग्राम्स का चाहिए अगर आप PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 7 डॉक्यूमेंट जो चाहिए, स्कैन फोटो इन JPEG फॉर्मेट अप टू 50 KB साइज। आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करना है इधर और उसका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लीज नोट that after pressing the submit button, applicant will not be able to edit the following details. Campus or division को आप edit नहीं कर सकते जब आपने submit कर दी application. Degree level को आप change नहीं कर सकते, subject भी change नहीं कर सकते, अपनी shift अगर आपने morning या evening select कर दी तो application submit करने के बाद आप उसको change नहीं कर सकते. Applicant name, एप्लीकेंट CNIC और फादर नेम आप कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे। सबमिट करने के बाद आपने प्रिंट करना है फी चलान को और उसको आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में डिपॉजिट करवा देना है। डिपॉजिट करवाने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी जो है वो प्रिंट करवा के रिकॉर्ड के लिए रख लेनी है। एप्लीकेंट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन हु हैव डिपॉजिट द फी। वही एप्लीकेंट जो फी डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो मेरिट लिस्ट में अपीयर हो सके। अगर आप एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं या शिफ्ट और कोटा में अलग अलग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सबकी फी जो है वो अलग अलग पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक या एक से ज्यादा कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनके लिए एप्लीकेशन अलग से फिल करनी पड़ेगी और फी भी अलग अलग जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कुछ कोटा पे एडमिशन करती है जिसमें डिसेबल कोटा है, आर्म फोर्सेस का कोटा है और UAE के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इस कोटे के में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ कुछ लिंक्स और UAE के ईमेल्स और वेबसाइट्स दी गई हैं जहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस और उनकी वेबसाइट ओपन करके डिफरेंट डिटेल ले सकते हैं।
मेरिट लिस्ट भी इन्हीं लिंक्स पर अपडेट की जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके अंदर स्टेप टू है, आपने अपने सक्सेसफुली एप्लीकेंट्स जो है उनकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो आएगी। आपने जब फीस सबमिट करवा दी तो उसके बाद आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए रख लिया जाएगा। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ एमएस एमफिल प्रोग्राम्स के लिए। वो एप्लीकेंट जो एमएस एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उनको यूई का एनी टेस्ट देना होगा, गैट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट होगा उनका, और वो अपना टेस्ट सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग टाइम, टेस्ट का डेट और उनका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो दिया गया है। उसके अलावा पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा सारा, उसमें गैट शामिल नहीं होगा, और उसका भी डेट और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो दिया गया है। आप वेबसाइट ओपन करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपने आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इसे चेक करना है और आपने नेक्स्ट मूव आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने एप्लीकेशन को सबमिट फिल करते हुए बहुत ही ध्यान से इसकी जो मालूमात है वो आपने देनी है। लाइक यहाँ आपने सबसे पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना है कि आप किस कैंपस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप लाहौर में अप्लाई करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है कि आप किस डिग्री लेवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मास्टर या पीएचडी के लिए। तो मैं मास्टर सेलेक्ट करूंगा। मास्टर के बाद आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या एमएससी फिजिक्स के लिए या एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी जूलॉजी। तो मैं एमएससी फिजिक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपने अपनी शिफ्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आप किस शिफ्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप किसी कोटे में अप्लाई करना है तो आप इनमें से कोई भी कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ओपन मेरिट है, यूई टीचर्स, यूई एम्प्लॉयज, डिफेंस फोर्सेस, डिसेबल, आजाद जम्मू कश्मीर एंड फाटा का कोटा अवेलेबल है। तो मैं ओपन मेरिट पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से डिसेबिलिटी की नेचर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपने अपना नेम लिखना है, बाद आपने अपना सी एन आई सी नंबर लिखना है, अपना अपने सी एन नंबर केयरफुली ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है, अगेन आपने अपने फादर का सी एन आई सी नंबर जो है वो यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ ऐड करना है, 9230527, और आप अपने जेंडर आपने सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। उसके बाद मर्चेंट स्टेटस है, आपने सिंगल सेलेक्ट करना है। रिलीजन इस्लाम, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट, आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रोविंस से आप बिलोंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड सिटी दोनों सेम है तो आप सेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, और आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम लिख लें, अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिख लें। और उसके बाद आपने अपना फोन नंबर जो है वो अगेन ऐड आप कर देना है इधर, क्योंकि ये नेसेसरी है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अगेन ऐड करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपने अपना ऐड करना है। तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस जो है आपका, जो आपके नेम पे बना हुआ है, वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वो चूज करनी है। तो यहाँ मैं रैंडम पिक्चर ऐसे ही चूज कर रहा हूँ। आपने जो पिक्चर चूज करनी है उसका साइज जो है वो लेस देन 50 KB होना चाहिए। तो आप वही पिक्चर चूज करें जिसका साइज 50 KB से लेस है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले आप अपना बोर्ड ऐड करेंगे कि कौन से बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ है। उसके
बाद आप अपना रोल नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम टाइप एनुअल या सप्लीमेंट्री वो ऐड करनी है, उसके बाद आपने ईयर पासिंग ईयर अपना ऐड करना है। पासिंग ईयर ऐड करने के बाद आपने अपने टोटल मार्क्स ऐड करने हैं, टोटल मार्क्स, और उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स ऐड करने हैं, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने क्या किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया, आपने अगर प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो जिस सब्जेक्ट में की है आप वो ऐड कर दें। उसके बाद आपने अगेन अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद रोल नंबर ऐड कर देना है आपने, उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, और अगेन एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करनी है, और पासिंग ईयर आपने लिख देना है, उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, और देन ऑब्टेन मार्क्स आपने ऐड करने हैं जो भी आपने हासिल किए। उसके बाद अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने अपनी बैचलर डिग्री को ऐड करना है, या अगर आपकी जो एसोसिएट 2 इयर्स की डिग्री है उसको आपने ऐड करना है, किसी यूनिवर्सिटी से की हुई है आपने वो यूनिवर्सिटी ऐड कर देनी है, उसके बाद आपने उसका रोल नंबर ऐड कर देना है, और देन आपने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देना है, और देन एग्ज़ाम टाइप आपने लिखना है, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम किया है तो आप सेमेस्टर सिस्टम ऐड करें, अगर आपने एनुअल किया है तो एनुअल सिस्टम ऐड कर दें, उसके बाद आपने ईयर ऐड कर देना है, अपना CGPA या जो परसेंटेज है मार्क्स की वो आपने ऐड कर देनी है, अगर आपका CGPA है तो आप CGPA ही ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी मास्टर डिग्री भी ऐड करें, और उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप यहाँ ऐड कर दें, और ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उस पर आप यस कर दें, और यू ई ओल्ड रजिस्ट्रेशन अगर आपका कोई है तो आप उस पर यस करें, वरना आप इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप एक दफ़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट कर दिया जाएगा, और आपका जो चालान फॉर्म है वो भी बन जाएगा, ये देखें प्रिंट चालान फॉर्म, प्रिंट एडमिशन फॉर्म, एंड अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको एडिट करके सही कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रिंट चालान फॉर्म पे, प्रिंट एडमिशन फॉर्म पे, तो आपका जो चालान फॉर्म है इस तरह का जनरेट हो गया आपके सामने आ जाएगा, इसको आपने प्रिंट आउट कर लेना है, ये 500 फी है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फी डिफरेंट होगी, तो ये आपने ये देखिए ये स्टूडेंट कॉपी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कॉपी है, ये सारी जो है वो बैंक कॉपीज हैं, तो आपने ये पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना है और वहाँ ये पे कर देना है, उसके बाद आपने अपनी कॉपी जो है वो अपने पास रख लेनी है और बैंक की कॉपी जो है वो बैंक में लेने का, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी में देने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट जब आपका जो एडमिशन सिक्योर हो जाएगा आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तब आपने अपना फॉर्म और ये चालान फॉर्म लेकर वहाँ चले जाना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इस तरह से जनरेट हो जाएगा, तमाम मालूमात आ जाएगी, ये आपने प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने इस लिंक पे जाना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपने ये ओपन करके इसकी प्रोग्राम वाइज जो है वो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर आपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके फीस स्ट्रक्चर को रीड आउट कर सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज मॉर्निंग इवनिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो दिया गया है, उसके अलावा MPhil और PhD के लिए जो अदर ड्यूज हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट फी इस डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं।